राधे राधे सभी को। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि लड्डू गोपाल को घर में अकेला कैसे छोड़कर जाए। अगर हमें घर से बाहर 4-5 दिन के लिए जाना पड़ रहा है और ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है कि घर पर कोई रह सके, या फिर हम लड्डू गोपाल को किसी और को सेवा के लिए दे सकें, तो ऐसी अवस्था में हम लड्डू गोपाल को घर पर कैसे छोड़ कर जाएँ जो कि हमारी सेवाएं भी पूर्ण होती रहें और लड्डू गोपाल भी हमारे भूखे ना रहें। तो आज की वीडियो में आपको यही देखने के लिए मिलेगा। तो चलिए वीडियो हम शुरू करते हैं। तो जब हम घर से बाहर जाते हैं और हमारी गैर हाजिरी में लड्डू गोपाल की सेवा करने के लिए कोई नहीं होता है और हम लड्डू गोपाल घर पर छोड़ कर जाते हैं, तो मन में बहुत चिंता रहती है। लड्डू गोपाल हमारे कैसे रहेंगे, हम छोड़कर जाएं या ना जाएं, और घर के आसपास भी ऐसे हमारे कोई फ्रेंड नहीं है, ऐसे कोई पड़ोसी नहीं है जिनके पास हम लड्डू गोपाल को सेवा के लिए देकर जा सकें। और हर जगह हर बार अपने साथ लड्डू गोपाल को ले जाना पॉसिबल नहीं होता है, तो कभी कभी तो हम लड्डू गोपाल जी को अपने साथ ले जाते हैं, लेकिन हम हर जगह लड्डू गोपाल को अपने साथ नहीं ले करके जा सकते हैं और ना ही हर बार लड्डू गोपाल को हम घर में छोड़कर जा सकते हैं। तो ऐसी कंडीशन में हमें क्या करना है कि लड्डू गोपाल को हम अपने साथ ना ले करके जाएँ? तो देखिए, सबसे पहला तो आप ऐसा कर सकते हैं, आपके आसपास आपकी कोई फ्रेंड रहती हैं या फिर कोई पड़ोसी हैं ऐसे जो 2-4 दिन के लिए आपके लड्डू गोपाल की सेवा बिल्कुल आपकी तरह कर सकें, और उनके यहाँ शुद्ध सात्विक भोजन का ही प्रयोग होता है, मांसाहारी भोजन नहीं बनता है, तो आप उनको सेवा के लिए लड्डू गोपाल को देकर जा सकते हैं। लेकिन साथ में ही आपको लड्डू गोपाल से जुड़े सारा सामान जो व्यवस्था का होता है वो भी आपको देकर जाना पड़ेगा, जैसे लड्डू गोपाल की ड्रेस है, लड्डू गोपाल के बिस्तर हैं, और थोड़ा सा जो भोजन जो ख़राब ना हो, जितने दिन के लिए आप जा रहे हैं उतने दिन का ही भोजन, जैसे ड्राई फ्रूट्स हैं। अब ड्राई फ्रूट्स में बहुत सारी ऐसी मेवाएं होती हैं जो लड्डू गोपाल के लिए आप एक टिफ़िन में बंद करके उनको देकर जा सकते हैं, जिससे वो आपके लड्डू गोपाल की सेवा अच्छे से कर सकें। और दूसरा, आप साथ में उनको बता कर जाइएगा कि लड्डू गोपाल को इस टाइम पर आप भोग लगाते हैं, तो उसी टाइम पर वो आपके लड्डू गोपाल को सेवा दे पाएँ। और अगर आप अपने लड्डू गोपाल को किसी और को सेवा के लिए नहीं देना चाहते हैं और ना ही आपके आसपास आपके कोई फ्रेंड हैं और ऐसे पड़ोसी हैं जो आपके लड्डू गोपाल की सेवा कर सकें, तो ऐसे में आप लड्डू गोपाल को घर पर कैसे छोड़ कर जाएंगे? और साथ में ही हमें उनकी क्या क्या व्यवस्था करके जानी है, तो आप लड्डू गोपाल को घर पर बहुत ही आसानी से छोड़ कर जा सकते हैं। तो जहाँ भी जाएं, जितने दिन के लिए आप जा रहे हैं वो लड्डू गोपाल को आपको बताना है। जिस प्रकार आप रोज़ाना उठते हैं आप उस प्रकार से सुबह मॉर्निंग में उठिएगा। अगर आपको जल्दी जाना है तो लड्डू गोपाल की सेवा के लिए आपको थोड़ा जल्दी उठना पड़ेगा, लड्डू गोपाल को जगाएंगे, और अगर गर्मियां हैं तो लड्डू गोपाल को उठाते ही हमें जल पिलाना है और उनको स्नान आप ज़रूर करा करके जाइएगा। तो जब हम कहीं जाते हैं तो सबसे पहले स्नान करते हैं, साफ स्वच्छ और सुंदर से वस्त्र पहनते हैं, ठीक उसी प्रकार से लड्डू गोपाल को भी हमें जगाकर उनको थोड़ा सा जल या दूध का भोग लगाने के बाद में उनको स्नान कराना है। स्नान कराने के बाद में हम लड्डू गोपाल का सुंदर सा श्रृंगार करेंगे, क्योंकि जब हम कहीं बाहर जाते हैं तो अच्छे से सुंदर से वस्त्र पहनते हैं, तो हमारे लड्डू गोपाल भाव रूप में हमारे साथ जाएंगे, क्योंकि जो लड्डू गोपाल की सेवा है वो भाव रूप में ही की जाती है। तो मैंने यहाँ पर लड्डू गोपाल को स्नान कराने के बाद में सुंदर से वस्त्र धारण करा दिए हैं। अगर आप गर्मियों में जा रहे हैं तो गर्मियों का ख्याल करते हुए आपको कॉटन की ही वस्त्र पहनानी है, क्योंकि सफ़र में जिस प्रकार हम हल्के वस्त्र पहनते हैं, अगर आप अपने साथ लेकर जा रहे हैं लड्डू गोपाल को, तब भी आपको इसी प्रकार से हल्की सी उनको ड्रेस पहनानी है जिससे उनको कोई दिक्कत ना हो। और हम लड्डू गोपाल को ज्वेलरी पहना देंगे, कानों में कुंडल पहना देंगे, बिग लगा देंगे। अगर अधिक गर्मियां हैं तो ये आपकी इच्छा पर डिपेंड करता है, आप बिग लगाना चाहते हैं या नहीं लगाना चाहते हैं, ये अपना अपना भाव होता है लड्डू गोपाल की सेवा करने का। तो मैंने यहाँ पर मुकुट लगा दिया है और लड्डू गोपाल के जो भोजन की व्यवस्था है वो भी मैं साथ में ही करके जाऊँगी। तो देखिए, अगर हम 4-5 दिन के लिए जा रहे हैं तो लड्डू गोपाल का जो भोग है हमें उसी प्रकार से व्यवस्था करना है। तो मैंने यहाँ पर जो आपने देखा वीडियो में एक टिफ़िन ले लिया है, और आप चाहें तो कोई भी प्लास्टिक का बॉक्स भी ले सकते हैं, स्टील का डब्बा ले सकते हैं, और साथ में ही लड्डू गोपाल के लिए आप पंजीरी बनाकर रख कर जा सकते हैं अगर आपके पास समय है तो। जितने भी दिन के लिए जा रहे हैं, 5 दिन के लिए, 7 दिन के लिए, उस प्रकार से आप लड्डू गोपाल की व्यवस्था करके जाएं। तो मैंने यहाँ पर कुछ ड्राई फ्रूट्स ले लिए हैं जो कि ख़राब ना हो, हमें ऐसा ही सामान लड्डू गोपाल के पास रख कर जाना है।
और उनसे बोलकर जाना है कि जब भी भूख लगे प्रभु आप इसका भोग लगाना और भोजन हमारा स्वीकार करना। साथ में ही गर्मियां हैं क्योंकि लाइट वगैरह अगर घर में नहीं कोई होता है तो जलाकर हम नहीं जाएंगे। और लड्डू गोपाल के पास में हम एक पंखा या बीजना हाथ पंखा होता है वो रख कर जाएंगे। तो ड्राई फ्रूट्स में मैंने यहाँ पर बादाम लिए हैं, मखाने लिए हैं, किशमिश लिए हैं और टॉफ़ी ले ली है साथ में, और एक बॉक्स में अलग से मैंने मिश्री रखी है क्योंकि ये जो भोग है आपको खुला नहीं रख के जाना है क्योंकि गर्मियों में चींटियाँ बहुत जल्दी आ जाती हैं और भी बड़े वो जो चींटे होते हैं वो भी आ जाते हैं। तो जो भी भोग प्रसाद आप रख कर के जाएँ एक बंद डब्बे में रख कर के जाएँ क्योंकि दृष्टि भोग लगाते हैं लड्डू गोपाल जी। अगर आपके पास मिट्टी की यानी मटकी है तो आप उसमें लड्डू गोपाल के लिए जल रख कर जरूर जाइएगा। और देखिए मैंने यहाँ पर मिट्टी के एक मटकी है उसमें भी जल रख दिया है, एक साथ में एक लोटे में मैं जल अलग से रखूँगी। और जल भी आप लड्डू गोपाल के लिए अगर आप रख रहे हैं, रखना तो है ही है आपको, अगर आप रख भी रहे हैं तो जिस भी बर्तन में रखें आप उसको ढक कर ही रखें, और जो भी भोग प्रसाद रखें आप उसको ढक कर रखना है। और दूसरा हमें तुलसी दल उसमें ज़रूर डालना है। तो जो लोग लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं उनके पास अक्सर करके गौ माता ज़रूर मिलती हैं, तो लड्डू गोपाल की सेवा के लिए आप एक गाय माता उनके पास ज़रूर रखिएगा। कहा जाता है जब किसी परिस्थिति में हम लड्डू गोपाल की सेवा नहीं कर पाते हैं तो उस समय में ये गाय माता लड्डू गोपाल की सेवा करती हैं। आप चाहें तो अष्ट सखियां आती हैं वो लड्डू गोपाल की सेवा करती हैं, श्री कृष्ण के साथ में रहती हैं, तो उनको आप विराजमान कर सकते हैं लड्डू गोपाल के आसपास में। और अगर नहीं है तो आप एक गाय माता जरूर ला करके रखिएगा क्योंकि ऐसा होता है आप पीरियड्स टाइम पे लड्डू गोपाल की सेवा नहीं कर पाते हैं और जो कुछ भी सेवा में हमारी कमी होती है, अधूरी सेवा होती है, तो वो हमारी सेवा को पूर्ण करती हैं गाय माता। तो आप एक गाय माता जरूर रखिएगा। तो पूजा अर्चना करने के बाद में देखिए मैं आपको दिखा देती हूँ, ये गाय माता मैंने लड्डू गोपाल के पास ही विराजमान कर रखी हैं, तो इनको मैं यहाँ पर ही लड्डू गोपाल के पास रहने दूंगी और गाय माता से बोल कर जाऊँगी कि मेरे प्यारे से लाला लड्डू गोपाल का ख्याल रखना, मैं इतने दिन के लिए घर से बाहर जा रही हूँ। और साथ में ही लड्डू गोपाल से भी हम ये वाली बात बोलेंगे और एक लोटा जल मैं साथ में ही और रख दूंगी क्योंकि वो घड़े का जो मिट्टी का जो घड़ा है उसमें जल गर्मियों में सूख जाता है, तो इस प्रकार से आप एक लोटे में अलग जल रख करके जाइएगा। लड्डू गोपाल से हाथ जोड़कर प्रार्थना करेंगे कि आप हमारे साथ चलिएगा और साथ ही इस घर का ख्याल रखिएगा और अपना भी ख्याल रखिएगा। आप चाहें तो लड्डू गोपाल की मानसिक सेवा भी कर सकते हैं बाहर, जो भी आप ग्रहण कर रहे हैं यानी भोजन कर रहे हैं तो आप लड्डू गोपाल को भाव रूप में याद करिएगा, उनको भोग लगाइएगा, तो इस प्रकार से भी आप लड्डू गोपाल की बाहर रहकर सेवा अर्चना कर सकते हैं। और अगर आज का वीडियो अच्छा लगा है, पसंद आया है, तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। फिर मिलते हैं अगली किसी और वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को राधे राधे।